मैं सोच रहा हूँ कि फैसल माजिद घूम गया हूँ। रात को 11-12 बजे हम यहाँ से इस्लामाबाद से निकल जाए। कल फ्लाइट थी 10 बजे 1 बजे मैं इस होटल में आ गया था, तो आज अभी बज रहे हैं तकरीबन। सो फाइनली सीन ये हुआ था कि भैया मेरा जो रूम था वो था भैया यही एक दिन के लिए। जब 12 से 12 बज गए उन्होंने कहा भाई रूम खाली कर दो, अगर रहना है तो भैया दोबारा डबल रेंट लगेगा। खैर अब रहना तो था, मरता क्या ना करता। तो फिर मैंने दोबारा रूम लिया और फिर मैंने दूसरा रूम लिया। उसके चार्जेस थे 1500 रुपये, वो मैंने सिर्फ 6 घंटे के लिए लिया था। और मैं नहा के शावर वगैरह लेके फुल रेडी बैग वेग तैयार करके नीचे लॉबी में बैठ गया। लॉबी में बैठा उनका वेट कर रहा था और फिर वहाँ से हमने उनको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद वहाँ से हमने सफ़र अपना स्टार्ट किया। रात का टाइम था, 2 बज रहे थे, सफ़र स्टार्ट हुआ। हल्का हल्का सा दिन चढ़ा और मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया, शूट करने लग गया। मानसेरा पता नहीं एबटाबाद यहाँ पे करीब ना राहत, वहाँ पे इतने सारे राहत वेकर्स थे। मैंने फर्स्ट देखी थी और फिर मैं तो भाग गया वहाँ पे, सेचके वचके किए, थोड़ी सेल्फी वेल्फी ली। अब मुझे क्या पता था सारे रास्ता ऐसे ही चलेगा। भैया क्या कमाल के सीन्स थे। अब एक बंदे ने कभी कुछ देखा ही ना हो, उसके सामने इतने हसीन मंजर आ जाए, उसकी क्या फीलिंग होगी। तो ये कहानी उस वक्त की ऐसी थी और मतलब बड़ा एवन चस्के वाला ट्रिप रहा था। और काफ़ी हमने ट्रिप किया, बस पहाड़ों के इर्द गिर्द घूम रहे थे हम। इर्द गिर्द घूमते 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 साथ में हमारे दरिया जा रहा था, कहीं बकरियां, भेड़ बकरे, इतने लंबे लंबे दरख्त और क्या नेक्स्ट लेवल की वाइब आ रही है। और ऐसे इनको देख के दिल कर रहा था बस हम जाके उतरे और बस मैं जाके इसमें नहाऊं, क्योंकि हम इस्लामाबाद में गए थे। इस्लामाबाद में इतनी सर्दी नहीं थी, हमें तो पता भी नहीं था वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी होगी। हमने रास्ते में एसी बंद कर दिया था, पता ही नहीं चला था। एक तो वो शीशे के ऊपर ना फॉग आ रही थी, जिसकी वजह से शीशा इतना साफ भी नहीं था और ये वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही थी। और ये इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़। और बस यहाँ से हमें थोड़ा आगे जाके हमारा एक शॉर्ट ब्रेक था, हमने नाश्ता करना था। उससे पहले हमने अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाना था। थोड़ा ही आगे पंप स्टेशन था और हमने जो टी ब्रेक करना था वो ज़्यादा आगे था। और ऐसे पुल तो रास्ते में इतने सारे आए थे, लकड़ी के या रोड क्रॉसिंग के बहुत ज़्यादा आए थे। मैं जैसे ये पुल आता था मैं कैप्चर करता था। अब आगे पेट्रोल पम्प, सब सेल्फी वेल्फी लेने लगे, सब कपल्स थे, मैं अकेला था। मैंने भी अपना कैमरा निकाला और अपने मुँह को देखने लग गया। खैर ऐसे झरने तो अनलिमिटेड बह रहे थे भाई, रास्ते में इतना मज़ा आ रहा था, कमाल का मज़ा आ रहा था। खैर यार जब रोड थी ना वो इतनी यू टर्न थी, फुल यू टर्न। देख रहे हो अगर आप विंडो साइड बैठे हो ना तो यार सलाम है आपको। अगर आप किसी लग्जरी गाड़ी में जा रहे हो, लैंड क्लोजर, सिविक, टोयोटा में, फिर तो आप कुछ नहीं होगा। अगर आपकी भी वैन हमारी वैन की तरह हुई 19-20 पंद वाली वैन हो, वो जो हिलती है कच कच, पहला स्टे हो गया। आज के हमारे जो टूर गाइडर है वो हसन भाई हैं। कौन सी जगह पे ये कवाई से 1 किलोमीटर पीछे है। कवाई से हम 1 किलोमीटर पीछे। यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता और उसके बाद जाएंगे नारायण, डायरेक्ट नारायण जो होगा स्टे होगा। ये 3 डे टूर है, ट्रिप पे आज का फर्स्ट डे, देखते हैं कैसा जाता है। यार क्या कमाल नाश्ता था, बहुत अच्छा नाश्ता था। जैसे ही मैं रोज़ हाफ फ्राई अंडा खाता हूँ तो मैंने तो हाफ फ्राई अंडा बनवाया। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और पानी भरा, झरने के अंदर बैठ के नाश्ता करने का भी नेक्स्ट लेवल का मज़ा आता है। तो भाई हमने वहाँ पे नाश्ता वैसे किया। 10-15 मिनट बाद हम वहाँ से निकल गए और अब यहाँ से नारायण तकरीबन 2 घंटे का रह गया था आगे। तो जैसा कि मैंने बताया ऐसे पुल बहुत सारे आ रहे थे रास्ते में, बस हम जाते गए और हम तकरीबन 1-2 घंटे में नारायण पहुँच गए। थके होते जाते ही सारे सो गए। ये वहाँ पर ना वाटर सप्लाई नहीं है, वहाँ पर चश्मों का पानी यूज़ होता है। ये सारा पानी यही पीते हैं वहाँ के लोग और ये इतना साफ़ पानी होता है दिखने में। और वैसे भी जिसको जो यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं वो ये नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ मतलब उनको मसला होता होगा इसलिए वो मिनरल वाटर यूज़ करते हैं। वैसे वहाँ पे पाइपलाइन भी इन्हीं के अंदर से जा रही है। हाँ तो भाई ट्रिप A1 जा रहा था, बस हम थक बहुत ज़्यादा गए थे। इन चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बीच में हमारा होटल, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यार बेलकनी से। खैर हमें सबको अपने अपने रूम्स दिखाए गए। हम 3 जाने लड़के सिंगल थे, 2 आपस में कज़न्स थे, एक में अकेला था। तो हमें 3 वाला रूम मिल गया, 2 एक बेड डबल था, उन्होंने डबल वाला ले लिया, हमने सिंगल वाला। बाकी सब कपल्स से अपने अपने रूम्स में चले गए। बस हम 2 घंटे सोए, उसके बाद हमें कहा निकलो। अभी हम उड़ गए हैं, तकरीबन 3 साढ़े 3 हो रहे हैं। अभी नेक्स्ट ट्रिप की तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, थोड़ी देर सोए, उसके बाद सब चले गए, सब रेडी हो गए। अब मैं भी जा रहा हूँ और ये हमारा रूम था। और अभी हम जा रहे हैं सैफ उल मलूक झील, वहाँ पे जीप्स पे जाएंगे। तो आओ वहाँ चलते हैं। हाँ तो भाई नीचे हमारी 2 जीप्स आ चुकी थी, एक ब्लू एक रेड। तो मैंने रेड हुडी पहनी थी, तो मैंने कहा भाई मैं तो रेड में बैठूंगा। तो एक जीप में 7-7 लोग थे, 5 पीछे 2 आगे। मैंने आगे जाके अपना ट्राइपॉड लगाया, उसमें मोबाइल अपना सेट किया, कैमरा मैंने सेट किया। वो 2 गलियाँ आगे जाके रुक गया। मैंने कहा देखूँ क्या कर रहा है वो, तो पेट्रोल भरा रहा था, पेट्रोल है डीजल, मुझे तो पेट्रोल लग रहा था। फिर हम वहाँ से निकल गए। हाँ तो भाई बाहर से ये जीप्स कितनी क्लासी और खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इनमें सेफ्टी फीचर्स 0% है, ना इनमें साइड गेट्स में, ना फाइबर वाइबर तो दूर की बात, सिर्फ कपड़ा लगा हुआ है ऊपर भी कपड़ा। ऐसा लगता है जैसे बस जंगले में बैठे हैं। हम सारे एक दूसरे के अंदर बज रहे थे ऐसे वैसे, मतलब सेफ्टी 0% है भाई, लुक एवन। तो भाई रास्ते में हमें एक दिखा बर्फ़ का पहाड़। ये बर्फ़ जो थी ये ऊपर से पिघल के नीचे आती थी, यहाँ पे रहती थी, कैसे आती थी ये तो मुझे नहीं पता, पर ये बर्फ़ का पहाड़ था। यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, सेल्फी बना रहे थे। खैर हमें अभी आगे जाना था, हम यहाँ पे नहीं रुके। हमें पता नहीं था कि आगे भी एक ऐसा होगा, मेरा तो फर्स्ट टाइम था। खैर हमें आगे भी एक ऐसा बर्फ़ का पहाड़ मिला। हाँ तो भैया कुछ शॉर्ट्स तो मैं ले नहीं सका यार, रास्ता इतना ख़राब था, सिंगल रोड था, डबल क्रॉसिंग में बड़ा मसला होता था। जो साइड में बैठा था वो नीचे देख के वैसे ही डर जाता था, इतनी गहरी गहराई थी। 10,200 फीट से हम ऊपर आए थे। ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बीच में ये झील थी जिसका नाम सैफ उल मलूक झील था, और सामने इतनी सारी ये जीप्स खड़ी हुई थी। ऐसी इतना क्लासी लुक आ रहा था, देख के इतनी अच्छी लग रही थी, क्या लुक आ रहा था यार। खैर यहाँ पे अपनी जीप ढूंढना बहुत मुश्किल था। हमने अपनी जीप का प्लेट नंबर याद कर लिया और इस तरह उस तक दोबारा पहुँच गए। भाई तेज़ हवाएं और ठंड तो नेक्स्ट लेवल की थी सैफ उल मलूक झील पे। हम सब ने अपने अपने हुडीज़ पहनी थी, लेकिन फिर भी ठंड बहुत लग रही थी। फॉग छाई हुई थी, ज़्यादा दूर तक तो दिख भी कुछ नहीं रहा था। हाथ इतने ठंडे हो गए थे। खैर मैंने भी अपना कैमरा में साफ किया पीछे से और अपना एक सीन लिया सैफ उल मलूक झील का, पार वार दिखाए, और फिर जो आ सका था वो आया। उसके बाद मैंने क्या किया, सीन कुछ ऐसे नहीं है, सीन कुछ नेक्स्ट लेवल के हैं। तो भाई अभी मुझे बोटिंग में बाद में करेंगे, उससे पहले वहाँ पर एक ना ग्लेशियर है। हाँ तो भाई इतना सांस चढ़ रहा था जैसे हर कोई दमे का मरीज हो। खाली मुझे नहीं चढ़ा था, हर तीसरे बंदे को चढ़ रहा था। ये क्यों चढ़ रहा था, एक तो शॉर्ट ऑक्सीजन कम थी और दूसरा ठंड बहुत ही, फॉग ज़्यादा थी। एक वो थोड़ा फेमस हुआ था, उसको ढूंढ रहा था लेकिन वो मिला ही नहीं। अभी वहाँ पे एक बर्फ़ का पहाड़ है, उस पर जा रहा हूँ, वहाँ से होकर फिर बोटिंग करेंगे। तो आओ चलते हैं यार, क्या कमाल की जगह है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और बीच में इतनी खूबसूरत झील सैफ उल मलूक झील। हाँ तो भाई मुझे पता चल गया था फॉग में मेरा कैमरा बहुत ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैंने सेट अपना खुलवा लिया था, इसलिए बिल्कुल भी मज़ा नहीं कर रहा था। खैर मैंने कहा ब्लॉगिंग करूँ नहीं करूँ, मैंने कहा भाई सीन्स ले ले, बाद में पता नहीं कब आए कब ना आए, क्या पता आना हो ना हो। तो मैंने तो अपना फुल मज़े से ब्लॉगिंग की। हाँ तो भैया फिर मैं जाते जाते पहुँचा है बर्फ़ के पहाड़ पे। जैसे कि वहाँ पहाड़ था, यहाँ भी पहाड़ था, सब इतने मज़े कर रहे थे, एक दूसरे को बर्फ़ खींच खींच के मार रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था देख देख के। तो भाई मैंने भी एक बंदे को कैमरा पकड़ाया, मैंने कहा यार मैं भी जाके बर्फ़ उठाऊंगा, मेरी थोड़ी देर ना वीडियो भर देना। कह रहा चलो ठीक है जाओ। अब मैं उठा के किसको मारता, मेरे साथ तो कोई था ही नहीं। मैंने ऊपर की और फिर हाथों पर गिरा दी। म्यूज़िक भाई फाइनली यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैंने इस बंदे को ढूंढना शुरू किया। 1.5 घंटा लगा, लेकिन ये बंदा अचानक मिल गया। मैं जा रहा था, बस मैं बोटिंग करने जा रहा था और ये अचानक मिल गया। तो भाई कहानी सुनाएंगे आप? हाँ तो भाई फाइनली मैं इन्हीं को ढूंढ रहा था। अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं तो आप भाई को जानते होंगे। जुनैद भाई ने इनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई थी, काफ़ी सारी फेमस हुई थी। तो भाई बंदा हम्बल बंदा था, बहुत अच्छा बंदा था। आखिर नारान में पहुँचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारान में पहुँचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि ये सामने वाली जो छोटी पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो अब भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिनात उसके कब्जे में आ गए। उन जिनातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलिका बद्रजमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। इस झील में नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बद्रजमाल का लिबास जो था वो जिन्हों ने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियाँ जो थी वो लिबास पहन कर चला गई तो बद्रजमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहना कर नीचे नारान की तरफ ले गया, पर जो थे वो छुपा लिए। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी काशिया के मजाद मालक तक के परी हमसे जुदा हो गई। हाँ तो भाई मुझे पहले लेट हो रही थी, कहानी बहुत लंबी थी, मैं भी आदि में छोड़ के चला गया। जितनी मैंने क्लिप बनाई थोड़ी सी और सुनी होगी, उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। मैं बोटिंग की, बोटिंग रहती थी तो मुझे पता चला जुनैद कॉम्बो और मौलवी उस्मान भी वहाँ आए हुए साथ वाली बोट में जा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं चला। जब गुजर गए तभी उन्होंने बताया भाई वो जा रहे थे, ये सब उनके ट्रिप के साथ आए थे उन्होंने। हाँ तो भाई ठीक ठाक रात हो चुकी थी, हम जल्दी गए अपनी जीप में बैठे और सीधा होटल के जाके हमने खाना वाना खाया और हमें अपने रूम से छोड़ दिया गया। सुबह जल्दी निकलना था, ब्रेकफास्ट कंप्लीट। तो भाई फाइनली थक थक आके हम रूम में पहुँच गए। आज मतलब बड़ा मज़ा आया, अकेला मज़ा। अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो मज़ा आपको तभी आएगा जब आप मज़ा करना चाहो, मतलब अगर आप अपनी कंपनी इंजॉय कर सको तो आपको मज़ा आएगा। अभी हम आ गए दोबारा अपने रूम में, ये सिंगल बेड मेरा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में कल। बाबू सर टॉप, अल्लाह हाफिज़।